वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी और आज है दिन बिजनेस डे और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं इंतजार कर रही हूँ हबी जी का और इधर बेल बज चुकी है तो मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने के लिए। लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया था लेकिन हबी जी को आने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग गया है। खोलिए ना, कितनी देर से आए हैं आप? 2 बजे, 2:15 का बोले थे, 3:30 में आए। आइए फटाफट से लंच कीजिए। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने लंच में आज क्या क्या बनाया है। ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक रेसिपी थोड़ी सी स्पेशल है। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ हम दोनों के लिए। लोगों को बोल रही थी कि 3 बजे, मुझे लगा 3 ही बजे, मैं बहुत देर से घड़ी नहीं देखी थी, कुछ कुछ काम करी थी तो मुझे लगा 3 ही बजे हैं, 3:30 बज चुके हैं, सोचिए। तो चलिए जल्दी से निकालती हूँ मैं लंच, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो आज का लंच हमारा सिंपल सा है, दाल चावल आलू मटर की सब्जी और ये पोई के पकौड़े और साथ में ये दही। एकदम क्रंची है, बहुत ही मस्त, झकास, लाजवाब। वाव, ये पोई का है ना? अरे वाह, जो पहले पकौड़ियाँ नहीं खाते थे वो भी अब खाना शुरू कर दिए। एकदम ये मुंह में घुल जा रहा है, मानो आइसक्रीम खा रहे हैं। ओहो, अब ज्यादा हो गया। सही में बता रहे थे, कोई जान ही नहीं इसमें, बहुत क्रंची है। चलिए मैं और मेरे पति देव दोनों मिलकर के लंच करते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि हबी जी बहुत ही लेट से आ जाए हैं और मैं लंच इतनी जल्दी जल्दी में आज बनाई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैंने आधे घंटे में सारे लंच को प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और उसके बाद उसमें 5 फोड़न, तेज़पत्ता और हींग और फिर मैंने उन सबको भुनने के बाद ये लंबे कटे हुए प्याज डाले हैं और यहाँ पे प्याज हल्के से भुन गए हैं तो मैंने इसमें कुछ उबले हुए आलू को तोड़ लिया है और फिर उसे भी मैंने इसमें ऐड किया है और उसी के साथ मैंने नमक भी यहाँ पे ऐड किया है और फिर उसके बाद हल्दी। और इन सबको मैं कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। और फ्रिज में उबले हुए आलू रखे हुए थे इसीलिए फटाफट से मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना ली और मटर भी काफ़ी ज़्यादा दिन से पड़े हुए थे और आलू और प्याज अच्छे खासे भून चुके थे, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। तो मैंने इसमें ऐड किया पीसा हुआ मसाला जिसमें कि अदरक लहसुन काले मिर्च जीरा पाउडर ये सारी चीज़ें थी और फिर मैंने इसमें मटर भी ऐड कर लिया है और इन सब के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है मीट मसाला। मैं धनिया पाउडर जल्दी नहीं यूज़ करती हूँ इसी वजह से मैं थोड़ा सा मीट मसाला ही डालती हूँ। तो मैंने मीट मसाले को थोड़े से पानी में घोल करके डाला है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इधर सब्जी मैंने चढ़ा रखी है और उधर दूसरी तरफ एक चूल्हे पे दाल भी मैंने चढ़ा लिए हैं। दाल को मैंने पहले उबाल लिया था और अब उसे छौंकने की बारी है। तो छौंकने के पहले मैं दाल को अच्छी तरह से उबाल लेती हूँ एक बार और चावल भी बनकर के रेडी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू मटर भी अब अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से उबल चुके हैं तो मैं इसे चूल्हे से अब नीचे उतार लेती हूँ और फिर इसमें छौंका डालने के लिए तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे ये तड़का पैन जिसे कि हम लोग कलछुल भी बोलते हैं वो चढ़ा लिया है और फिर उसमें मैंने डाला है घी। मैं कभी कभी घी या फिर कभी कभी सरसों तेल में भी छौंका लगाती हूँ, आज मैं घी से छौंका लगा रही हूँ दाल में। तो घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है सरसों और जीरा
और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिर्ची, और उसके बाद फिर तेज़पत्ता। और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है ताकि ये मिर्ची और तेज़पत्ते गले ना। और उसके बाद थोड़ी सी हींग, और फिर छौंका की बारी। और दाल छौंकने के बाद इतनी अच्छी सुगंध पूरे किचन में फैल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं सब्जियों में पानी डाल रही हूँ, और मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है इसीलिए मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अब सब्जी लगभग में तैयार है, तो बस मैं इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी, और उसके बाद लंच लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक रेसिपी और। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोई के पत्ते की पकौड़ियाँ। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले पोई के पत्ते को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और फिर उसमें मैंने ऐड किया है गेहूं का आटा, नमक, हल्दी, और ये जो पेस्ट है उसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च भी है। और इन सब को मैं अच्छी तरह से अब मिक्स कर ले रही हूँ। और यकीन मानिए जब आप इस गेहूं के आटे से पकौड़ियाँ बनाएंगे तो ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी ये लगते हैं कि आप बेसन वाले पकौड़ियाँ बिल्कुल बनाना फिर छोड़ देंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनती है इस तरह से। और आप किसी भी चीज़ की पकौड़ियाँ गेहूं के आटे के साथ बना सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और अब यहाँ पे सरसों के तेल में मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ। और पकौड़ियाँ तलते टाइम एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑयल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, और धीमी आंच पे ज़्यादा देर तक पकौड़ियाँ तलने से उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है। तो इसीलिए मीडियम हीट पे और अच्छे तेल में ही, अच्छे गर्म तेल में ही पकौड़ियों को तलना चाहिए ताकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल ना जाए और पकौड़ियाँ अच्छी करारी भी बने। अगर आप फुल फ्लेम पे पकौड़ियाँ तलेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पकौड़ियाँ भी तल कर के तैयार हैं। मैंने सारी पकौड़ियाँ इसी तरह से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन और बिल्कुल करारे करारे मैंने तल करके रख लिए हैं। तो पकौड़ियों की तारीफ तो आप लोग हबी जी से पहले ही सुन चुके हैं, वाकई में पकौड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा करारी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और मैं हमेशा पकौड़ियाँ इसी तरह से गेहूं के आटे के साथ ही बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छे पकौड़ियाँ बनते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गेहूँ के आटे के साथ ये पकौड़ियाँ, बहुत ही अच्छी बनेंगी। और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं कि आपकी पकौड़ियाँ कैसी बनी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कितने ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, देखिए क्रंची क्रंची हैं बिल्कुल। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है, लेकिन चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग।